हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनीस लाइफ। तो इस आज के इस वीडियो में मैं कुछ अपना मॉर्निंग रूटीन अभी शेयर करूँगी जो मैं अभी फॉलो करती हूँ। तो अभी सुबह सुबह 5:30 बज रहा था और उठकर मैं कुछ पॉजिटिव थॉट्स के सहित उठती हूँ, अच्छा जाए दिन ऐसा कुछ सोच कर। और बारिश का टाइम है, बारिश हो रहा है और मैं ऐसे भी वीडियोज़ में बोली हूँ, एक दो बार वीडियो भी शेयर किया है। हम लोग उतना लेट तक नहीं सोते, सुबह उठ जाते हैं और इधर बस मुंह धोकर फ्रेश होकर मैं दिखाती हूँ कुछ कुछ ऐसा चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ और मुझे वो पॉजिटिव रहने में बहुत ही मदद करता है। मैं खुश रहती हूँ काफ़ी। तो वो सारा चीज़ मैं इसमें शेयर करूँगी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था तो बस सुबह उठकर फ्रेश होकर यहाँ पे हमारे घर के मंदिर में थोड़ा सा भगवान जी को याद कर कर मैं अपने काम में लग पड़ूंगी। और अभी फ़िलहाल में मेरा एग्ज़ाम भी है, इसके लिए भी मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया है। और पानी तो सुबह उठकर पीना ज़रूरी ही है, उष्ण पानी हो और उष्ण पानी मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी, गर्म पानी मैं पीती हूँ। और इधर थोड़ा सा साफ करने के बाद किचन, हमारे घर में एक आंटी जी आते हैं हेल्प करते हैं, बट सुबह उठकर घर थोड़ा साफ़ सुथरा ना हो तो थोड़ा थोड़ा मैं हम लोग किचन में नहीं करते हैं और सब जगह करते हैं, तो थोड़ा साफ़ नहीं करने से ना खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो पॉजिटिव रहने के लिए ना थोड़ा सा मतलब घर जहाँ रह रहे हो साफ़ नहीं रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। फिर वो आंटी जी आने से वो पूरा और अच्छे से साफ़ करते हैं। और इधर मेरे सारा कुछ काम ख़त्म करके सुबह में टाइम निकाल के 1.5-2 घंटा पढ़ ले रही हूँ। दिन जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ती ही हूँ, और ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ही काम है, ये है मैं टाइम निकाल के अपना जैसे एग्ज़ाम है तो मैं पढ़ ही लेती हूँ। अभी फ़िलहाल में ही है मेरा एग्ज़ाम, ओडिशा से बिलोंग करते हैं, ओडिशा का ही स्टेट PCS का एग्ज़ाम है, मेरा ASO एग्ज़ाम है। तो सारा कुछ ख़त्म कर कर और थोड़ा सा चाय कॉफ़ी वगैरह, मैं तो चाय कॉफ़ी उतना पीती नहीं हूँ, कभी कभी ग्रीन टी गर्म पानी तो पीती हूँ, उष्ण पानी, उष्ण पानी के बाद ग्रीन टी वगैरह पी लो कि कुछ भी पी लो। और पर मैं जब मैं हस्बैंड को देती हूँ थोड़ा चाय पी लेती हूँ, पर खुद से मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो बस उसके बाद पढ़ उड़ कर थोड़ा सा नहा धोआ कर अभी थोड़ा सा मेडिटेशन करूँगी। मेडिटेशन ये हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत ही पॉजिटिव वाला फील आता है। तो आप लोग हमेशा एक रूटीन फॉलो करें, उसमें ऐसे मेडिटेशन को भी ऐड करें जो हमारा दिमाग को शांत रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं मेडिटेशन वगैरह। और बारिश हो रहा है तो बाहर भी नहीं जा पा रहे तो घर के अंदर ही कुछ योगा, अनुलोम विलोम वॉशअप करने के बाद मैं मेडिटेशन करती ही हूँ, थोड़ा टाइम भगवान को याद करना, परमात्मा को याद करना, देन अपना ये रहा हमारा नाश्ता। ये है मसाला उपमा और बूंदी और मिक्सचर विदाउट ऑनियन गार्लिक का, पूरा सात्विक है। और रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया है और कभी करूँगी, एक दो बार मैंने उपमा का रेसिपी शेयर किया है, बट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, पूरा सात्विक भोजन है। थैंक यू। तो इधर चल रहा है काम, इधर चल रहा है नाश्ता, पहले पेट पूजा। तो बस अभी नाश्ता वगैरह ख़त्म होने के बाद कुछ टाइम पढ़ने के बाद दोपहर के 12 बज रहे थे, तो मैं लंच बनाने के लिए जा रही थी। तो मुझे लगा कि आज नया चीज़ बनाऊंगी तो शेयर करना चाहिए। मुझे लगा पिट्ठू भजा का रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर किया है, बट आज भी पिट्ठू भजा बनाऊंगी, चावल दार और पिट्ठू भजा। बट आज का जो ये पिट्ठू भजा में वो जो खेक्सा है जिसको ओडिशा में कांकड़ो बोलते हैं, छोटो कांकड़ो, और वो कोरिडो है जिसको हिंदी में बस्करेल बोलते हैं, बांस का जो नरम हिस्सा रहता है उसको, वो सब चीज़ का मैंने दिखाया हुआ है। जो नया है वो ये है, जो केला का फूल रहता है उसका अंदर पोर्शन को ऐसे
निकाला गया है, और इसको जो लोहा का दिखा रही हूँ ना मैं, उससे ऐसे प्रेस करने के बाद ये सारा चीज़ को गर्म पानी में हल्दी नमक दे के थोड़ा 80-90% तक हम लोग बॉयल करेंगे, देन इसका पीठो भजा बनेगा। तो ये नया था तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। तो देखिए अब मैं कैसे इसको प्रेस कर रही हूँ, ये काफ़ी टेस्टी लगता है। मैं भवानीपटना में हूँ अभी, तो भवानीपटना में जब भी आती हूँ तो ऐसे वाला बनता है कभी कभी, तो ये भी रहता है। ये जो केला का, जैसे बोली केला का फूल, उसका अंदर का पार्ट है। ओके, तो इसको हम लोग बीच से काट लेंगे, इसको प्रेस नहीं करना है, जो प्रेस करना है मैंने वो दिखाया, ठीक है। तो ये सब तो जो खेक्सा है, वो कोरिडो, जो बस्करेल, वो सब तो करते ही है। तो इसको ऐसे काटने के बाद, दो हिस्सों में काटने के बाद, मैं वही दिखा रही थी, इसको दो हिस्सों में काटना है, और जो प्रेस कर रही हूँ वो नीचे रखी हूँ। तो इधर चावल को मैंने भिगो के रखा है कुछ टाइम से, और इसको अभी मिक्सी ग्राइंडर में मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ये तो मैंने पहले भी दिखाया है पिठो भजा का रेसिपी वगैरह, ये चावल को ग्राइंड करना पड़ता है, अरवा चावल को, उसके साथ सूखा मिर्च और जीरा ऐड करूँगी। लहसुन प्याज थोड़ा हम लोग उतना यूज नहीं करते, करते हैं कभी कभी, ज़्यादा खाना उतना प्रिफर नहीं करते हैं, तो आप लोग लहसुन भी यूज कर सकते हो। मैं इसमें सिर्फ जीरा और सूखा मिर्च यूज करूँगी, देन इसको ग्राइंड करके दिखा रही हूँ। इधर पानी गर्म होने के लिए बिठाया है सारा कुछ, सिर्फ जो इसको छोड़कर, जो हम लोग इधर कोरिडो बोल रहे हैं, इसको छोड़कर, या बस करेल कुछ भी बोल लो, इसको छोड़कर और सारा चीज़ को मैं बॉईल कर लूँगी, देन ही उसको तवा में, वो जो चावल जो दिखाई मैंने फुलाया है उसका, और जीरा और थोड़ा सा सूखा मिर्च, 4-5 सूखा मिर्च का जो पेस्ट बनेगा, उसी के साथ डुबो डुबो के तवा में जो फ्राई करूँगी। ओके, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और ये वाला जो बाउल है, दूसरे जगह में मैं ये इसको कर रही हूँ, जो खेक्सा, जो कांकड़ो, कुछ भी बोल लो, क्योंकि इसके साथ करूँगी ना तो इसमें जो कासापन रहता है इसमें चला आएगा, तो इसलिए अलग अलग कर रही हूँ। ओके, तो जो भिगो के रखा था चावल, जीरा और सूखा मिर्च डाल दिया है, लहसुन यूज नहीं किया है मैंने, ज़्यादा उतना यूज करते हैं कभी कभी और ज़्यादा यूज नहीं करते हम लोग। ओके, तो इसको मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मतलब पूरा मिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रहे उतना तक ही हम लोग को ग्राइंड करना है। तो इसको मैंने सेपरेट कर दिया है, जो कोरिडो था उसमें मैंने आधा डाल दिया है वो पेस्ट को, और इधर थोड़ा सा रखा है, एक थोड़ा सा बेसन भी यूज किया है मैंने, ये जो खेक्सा और ये जो केला का, जो ये दोनों को मैं इसमें डुबो के करूँगी, और इसको तो मैंने सेपरेट कर दिया है। इसमें बेसन नहीं मिलाया है, बेसन मिलाने से भी होगा पर मैंने नहीं मिलाया, ये थोड़ा कुरकुर होता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाया है मैंने। ओके, और हल्दी नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है, इसमें भी तो जब मैंने इसको बिठाया था उसमें डाला था हल्दी नमक, और थोड़ा सा यू जो ये सारा चीज़ के लिए, जो चावल बेसन डाला है इसके लिए थोड़ा सा नमक हल्दी स्वाद अनुसार मैंने ऐड कर दिया है। तो इधर इसको बिठाया है मैंने कढ़ाई में, जल्दी हो जाएगा, और इधर इसको बिठाया है और इसको लास्ट में करूँगी। इसका पानी को फेंक देना में तो कासा लगता है, तो पानी को फेंक के निचोड़ के डुबो के, वो जो पेस्ट मैंने दिखाया उसमें डुबो के बस तवा में, हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, थोड़ा तेल में उलट करके इसमें भी सेक सकते हैं, नहीं तो तवा में भी कर सकते हैं। तो मैं अभी कुछ कढ़ाई में कर लूँगी और कुछ तवा में, तो टाइम भी बच जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। इसका पानी मैंने फेंक के निचोड़ लिया है सारा कुछ, तो ये रहा, ऐसे ऐसे करके फ्राई कर लेना है। तो ये बन के तैयार है, सारा कुछ बन गया है, बस अभी
खाना निकालूंगी मैं। तो ये है सारा पिठो भजा, जो खेक्षा और बसकरेल और केला का फूल का पिठो भजा, उसके साथ दाल बनाया और नॉर्मल सा चावल और कुछ नहीं। बारिश का मौसम है तो गर्मा गर्म अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं।